नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ ताकत को बढ़ाने वाली दवा हेमो प्लस के बारे में। इस सिरप को मैन्युफैक्चर करती है टोरक्यो फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। अगर इसके प्राइस की बात करें तो 225 ml के है 128 रुपये। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि हेमो प्लस दवा किस प्रकार से फ़ायदेमंद है और इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। अगर इसके पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें है फोलिक एसिड, आयरन, विटामिन B6, जिंक, साइनोकोबालामिन जो कि विटामिन B12 है। तो दोस्तों इस सिरप का सबसे प्रमुख रूप से उपयोग होता है एनीमिया की समस्या में। ये खून की कमी को दूर करके हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाती है और जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी में खून की कमी या कमजोरी की समस्या होती है उनके लिए ये दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसमें फोलिक एसिड और दूसरे पोषक तत्व है। जिन लोगों को बार बार मुंह में छाले होने की समस्या होती है उनका भी ये समाधान करती है। इसके अलावा दोस्तों इसके पोषक तत्व कमजोरी और थकान को दूर करके ऊर्जावान बनाए रखते हैं। साथ ही इस दवा के पोषक तत्व पाचन से जुड़ी हुई समस्याओं को भी दूर रखते हैं। भूख खुल करके लगती है जिससे पोषण की कमी दूर होती है और जिन महिलाओं को पीरियड के समय अधिक ब्लीडिंग होने से खून की कमी होती है उनमें ये हीमोग्लोबिन का स्तर बनाए रखती है। और दोस्तों इस दवा के अगर डोज की बात करें तो दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है खाने के बाद में। इसकी सामान्य मात्रा सुबह शाम 2-2 चम्मच रखनी चाहिए और परिस्थिति के अनुसार अलग भी हो सकती है। और दोस्तों इस दवा से होने वाले अगर साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो वह कुछ इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे पेट दर्द, अपच, मतली, उल्टी, पेट फूलना, अधिक उत्तेजना या फिर एकाग्रता में कमी, गले में खराश और अधिक पसीना आने जैसी समस्या हो सकती है। लेकिन दोस्तों ये साइड इफ़ेक्ट्स हर किसी में नहीं देखे जाते, बहुत ही कम मामलों में देखे जाते हैं। अगर आपको इस प्रकार के लक्षण नज़र आए तो आप डॉक्टर से बात ज़रूर करें। एक बात का ध्यान रखें कि इस दवा को लेते समय आप कभी भी शराब का सेवन नहीं करें और अगर आपको गुर्दे संबंधी कोई समस्या है तो इस दवा को लेने से पहले आप डॉक्टर से बात ज़रूर करें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।